है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। हेलो, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, फ्रेंड्स, आंटीज, नेबर्स, फैमिली, सारे के सारे बैठ के मेरा शो इतना एंजॉय करते हैं। इतना मज़ा आता है जब मुझे ये फीडबैक मिलती है ना कि फिजा, हम सारे के सारे फैमिली इकट्ठा बैठ जाते हैं और तुम्हारा शो देखते हैं। और सीरियसली, तुम्हारे शो की वजह से एक बड़ी अच्छी बात हुई फिजा, जब रात को खासतौर पर रिपीट होता है तो वो जो बैठक होती थी ना, सारी फैमिली की एक गेट टुगेदर बैठती थी, आपस में गप्पे शप्पे होते थी, तो वो लोगों ने छोड़ दी थी। अब फ़ायदा ये होता है कि लोग सारे के सारे इकट्ठा होते हैं, सारी फैमिली एक साथ बैठती है और बैठ के जो है वो मेरा शो देख रही होती है। और मेरा जो मकसद था, असल मैं पहले दिन से ही कहती आ रही हूँ, 31 दिसंबर से मैं ये कहती आ रही हूँ कि हम लोग अपने घर की गेट टुगेदर, अपने घर की गैदरिंग, अपने घर की बैठक से दूर हो गए। हम बड़ों के साथ नहीं बैठते, बड़े बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे, हर एक की अपनी अपनी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम घर में किसी को टाइम नहीं दे रहे। हम लैपटॉप को टाइम दे रहे हैं, हम मोबाइल्स को टाइम दे रहे हैं हर वक्त, हम बीबीएम को टाइम दे रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में, हम शीशा शॉप जा रहे हैं, कैफे शॉप जा रहे हैं, मगर स्पेशली जो हम घर में एक दूसरे को टाइम देना है वो कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शो की वजह से अगर आप लोग सारे इकट्ठा बैठ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भले मेरे शो के ऊपर या किसी गेस्ट के ऊपर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इकट्ठा हैं, ये मैटर करता है मेरे लिए कि अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, ट्रेंड आ गया है वापस। थैंक यू सीरियसली। सबसे पहले आज के शो के बारे में ज़रा बताना चाहूँगी, इससे पहले मज़ीद आगे अपनी बातें और बक 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 जो आगे है बढ़ा दूँ। शो क्या है, प्रोमो चल रहा है, कल से सब देख रहे हैं, धूम मची हुई है प्रोमो की। कमेटी पार्टी वीक, यस, कमेटी पार्टी वीक क्या होता है ये मुझे पता है, आपको पता है, जितनी घर बैठी औरतें हैं उनको भी पता है, मगर थोड़ी सी एलैबोरेशन जो है बात की करना वो बहुत ज़रूरी है। कमेटी क्या होती है आज आप ये हमारे प्रोग्राम में जान सकेंगे। कमेटी नॉर्मली डाली किस लिए जाती है, कमेटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम में रहेगी। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं कि मिल बैठ के बैठने का एक छोटा सा बहाना है, एक खूबसूरत बहाना कि जिसमें आप बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं। वरना नॉर्मली आजकल हमारी जो मुलाकातें हैं वो या तो फिर किसी शादी या फंक्शंस में हो सकती हैं या फिर किसी और फंक्शन में हम ख़वातीन मिल के बैठ जाती हैं, मगर उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता। बाकी सारा टाइम या तो हम अपनी किसी डिप्रेशन में गुजार रहे होते हैं या किसी चिक चिक में, झगड़ों में, या बच्चों में आप टाइम गुजार रहे होते हैं, मगर ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिसमें हम सोशलाइजिंग कर सकें। आपको समझाना चाहूँगी कमेटी पार्टी के लिए, मेरे लिए कमेटी क्या है। मैं जब कराची से लाहौर शिफ्ट हुई तो मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स, मेरा स्कूल क्राउड, मेरा कॉलेज, मेरी फैमिली, इवन सारी की सारी मेरी फ्रेंड्स होती हैं कराची में। अब जब शादी के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो लाहौर में सच में किसी को नहीं जानती थी। शोबिज से रिलेटेड काफ़ी लोगों से जान पहचान तो होती है, मगर शोबिज में आपके हर कोई दोस्त हो, गहरे जिगरी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो उसके लिए मुझे जो बेस्ट तरीका लगा वो ये कि मैंने लाहौर में आके कमेटी डाली, कमेटी पार्टी ज्वाइन की। उससे ये हुआ कि मुझे अच्छी फ्रेंड्स मिल गई, अच्छा सर्कल मिल गया, अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ मैं डिनर, लंचेस, हैंग आउट, घूमना और शॉपिंग और गप्पे, ये सारी चीज़ें लगा सकूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत इजी वे था अच्छी दोस्तों को ढूंढने के लिए। आज से पूरा हफ्ता हम मनाने जा रहे हैं कमेटी पार्टी वीक, इसलिए आज मेरे साथ ही रहिएगा, स्पेशली क्योंकि आज है पहला दिन। आज आपको सबसे मुलाकात करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे विद मी कमेटी पार्टी वीक के लिए। आदाब, जल्दी आइएगा।